बिहार में सियासी बदलाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ खड़े हैं तो बीजेपी अकेले पड़ गई है। बीजेपी को बिहार में एक सहारे की जरूरत है तो चिराग पासवान को भी अपनी सियासत को बचाए रखने की चुनौती है। चिराग को मोदी सरकार ने जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा मुहैया कराई है। चिराग पासवान पर बीजेपी भले ही मेहरबान हो लेकिन चाचा पशुपति पारस के साथ तालमेल कराना इतना आसान भी नहीं है। बता दें कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान एनडीए में थे और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2020 में रामविलास के निधन के बाद सियासी विरासत को लेकर भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस आमने सामने आ गए थे, जिसके चलते एलजेपी में दो फाड़ हो गए। चिराग को छोड़कर बाकी एलजेपी के सभी सांसद चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ हो गए। इस तरह रामविलास के निधन से मोदी कैबिनेट में खाली हुई जगह पर पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बन गए और चिराग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। एलजेपी में टूट हो गए, जिसके बाद चिराग पासवान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए। उनके चाचा ने अलग पार्टी बना ली, साथ ही एलजेपी पर भी दावा ठोक दिया। रामविलास केंद्रीय मंत्री थे तब दिल्ली में 12 जनपद पर सरकारी बंगला हुआ करता था, लेकिन उनके निधन के बाद बंगला खाली करवा लिया गया। इस तरह चिराग को पार्टी पद और बंगले से हाथ धोना पड़ा। चाचा पशुपति की बगावत के दौरान चिराग पासवान ने पीएम मोदी और अमित शाह से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ होने के चलते बीजेपी से उन्हें सियासी तवज्जो नहीं मिल सकी। बिहार के बदले राजनीतिक समीकरण और नीतीश कुमार से दोस्ती टूट जाने के बाद बीजेपी फिलहाल अकेले पड़ गई है। एलजेपी के दो धड़ों में बढ़ जाने के बाद चिराग पासवान को सियासी वजूद को बचाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चिराग ये बात को भी जानते हैं कि बिहार में अकेले रहकर उन्हें सियासी रूप से सफलता शायद ही मिल सके। वहीं बीजेपी इस बात को समझ रही है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को टक्कर देनी है तो एक मजबूत साथी का सहारा जरूरी है। चिराग के लिए जितनी जरूरत बीजेपी की है उतनी ही जरूरत बीजेपी को चिराग पासवान के फिलहाल है। चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि उनके लिए महागठबंधन में कोई जगह नहीं बन सकती, लेकिन एनडीए में चाचा पारस भी उनकी राह में एक रोड़ा है। चिराग का अपने चाचा पशुपति पारस से 36 का आंकड़ा है। पशुपति पारस ने उनके हाथों से पार्टी और सांसद सब छीन लिया था। केंद्र में मंत्री पद भी चिराग पासवान के बजाय पशुपति पारस के हिस्से में आया था। पशुपति पारस भी चिराग पासवान को दोबारा अहमियत देने के पक्ष में नहीं है। तो चिराग पासवान भी कई बार कह चुके हैं कि जब तक उनके चाचा एनडीए में है वे एनडीए में शामिल नहीं होंगे। हाजीपुर में पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि चिराग पासवान से कोई समझौता नहीं होगा, इसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। कहा कि दल टूटता है तो जुड़ जाता है, लेकिन चिराग पासवान ने दिल तोड़ा है। पशुपति ने कहा कि आखिर क्या वजह थी कि बड़े भाई रामविलास पासवान की मौत के बाद पार्टी के साथ परिवार भी टूट गया। पूरा बिहार जानता है कि हमारे तीनों भाई का रिश्ता कैसा था। पशुपति पारस ने पार्टी टूटने की वजह बताते हुए कहा कि चिराग पासवान को किसी पंडित ने बताया था कि तुम एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ोगे तो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओगे। चिराग पासवान ने पंडित की बात में आकर पार्टी और परिवार को तोड़ दिया, ऐसे में समझौता कैसे हो सकता है। दरअसल चिराग पासवान अब बीजेपी के साथ साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुट गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन किया था, वहीं अब उपचुनाव में मुकामा गोपालगंज और कुरहनी सीट पर समर्थन किया और चुनाव प्रचार भी किया। बीजेपी चिराग को साथ लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पशुपति पारस रजामंद नहीं है। बीजेपी चिराग के जरिए दलित वोटों को अपने पक्ष में जोड़ना चाहती है, साथ ही चिराग की युवा व भी जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। बीजेपी को उम्मीद है कि चिराग पासवान अगर साथ आ जाए तो 2024 में दलित और युवाओं का एक मुश्त वोट उसके पाले में आ सकती है। चिराग पासवान ने खुद को अपने पिता रामविलास पासवान के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर भी स्थापित किया है।
बिहार में करीब 6% पासवान मतदाता है जिन्हें LJP का हार्डकोर वोटर माना जाता है। यही वो वोट बैंक है जिसे महागठबंधन के जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए BJP बिहार की उपचुनावों और भविष्य की सियासत को देखते हुए अपने साथ करना चाहती है, लेकिन चाचा पशुपति पारस रोड़ा बन रहे हैं। ऐसे में देखना है कि BJP चाचा भतीजे के बीच किस तरह से संतुलन बनाती है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।